सुहाना सफर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। चलिए आज बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं और बॉलीवुड की कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं। उन्हें आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद जनता का भी ढेर सारा प्यार मिला है। उन्हें उनके अभिनय के लिए कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। बॉलीवुड के साथ साथ अब उनकी हॉलीवुड में भी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। अब बात करेंगे उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुधाना कस्बे में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे, उनके सात भाई और दो बहनें हैं। अब बात करेंगे उनकी पढ़ाई की। नवाजुद्दीन ने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार उत्तराखंड से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो केमिस्ट के तौर पर एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर में अपना स्नातक पूरा किया है। नवाजुद्दीन की शादी हो चुकी है, उनकी एक लड़की है जिसका नाम शौरा है। उनके करियर की शुरुआत शूल और सरफरोश जैसी फिल्मों से हुई थी, लेकिन इन फिल्मों में उनका किरदार काफी कम समय के लिए था। इसके बाद उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया। उनके काम को हर तरफ से काफी सराहा गया, लेकिन असली पहचान उन्हें पीपली लाइफ, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों से मिली। लगातार संघर्षों के बाद अब वो एक सफल अभिनेता बन चुके हैं और कई फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। नवाजुद्दीन की कुछ बेहतरीन फिल्में कहानी बॉम्बे टॉकीज, किक, माझी द माउंटेन मैन, रईस, मंटो, ठाकरे और फोटोग्राफ है। फिल्म लंच बॉक्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के पुरस्कार के साथ ही फिल्म तलाश, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर और देख इंडियन सर्कस के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें IIFA अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, रेनॉल्ट स्टार गिल्ट अवार्ड्स और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।